فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلم ¡Mmm! No. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا صباتا او انفروا جميعا وإن منكم لمن لا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل نقطة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا अल्लाहमरज <वाद> يا आमीन العالمين ये बात सामने आ चुकी है कि कुरान हकीम में सूरतों का पहला जोड़ा सूरह और सूरह आल इमरान पर मुश्तमिल है और दूसरा जोड़ा निसा और सूरह मायदा पर शुरह नसा और सुरह, सुरह मायदा दोनों में आयात की तरतीब इस तरह है कि खिताब तीन फरीकों से है उम्मत मुसलिमा मुनाफिकीन और अहले किताब लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वर्टिकल डिवीज़न हो कि पहले खिताब उम्मत मुस्लिमा से मुकम्मल हो जाए फिर खिताब मुनाफिकीन से फिर अहले किताब से बल्कि ये कि ये तीन लड़ियाँ जैसे कि बाहम बढ़ दी जाए चाचे मैं पिछली मरतवा तफसील से बता चुका हूँ कि किस किस मकाम पर उम्मत मुस्लिमा से खिताब है फिर कौन कौन सी आयात अहल किताब से खिताब पर मुश्तमिल है और इसी जमन में ये कि इसका जो बड़ा हिस्सा है इस सूर्य मुबारका का सबसे बड़ा हिस्सा वो मुनाफिकीन से खिताब पर मुश्तम है और वह दो जगह पर मुनकसिम है नंबर साठ आयत से लेकर एक सौ छब्बीसवीं आयत तक सड़सठ आयात तसल्स के साथ मुनाफिकीन के बारे में अलबत्त ये बात भी बारह आ चुकी है सामने कि कुरान मजीद में किसी एक मकाम पर भी मुनाफिकीन से जो खिताब है वो या यूह लजीना नाफिकू या या हल मुनाफिकून के अल्फाज से नहीं बल्कि या यूजीना आम अनुस है इसलिए कि वो भी मुद्दे या ईमान थे वो कहते थे कि हम मोमिन है इस पहलू से उनसे भी ख़िताब जो किया जा रहा है और कानून और वह मुसलमान थे उन्हें मुसलमान तस्लीम किया जाता था यह असल में आयात के हवाले से बीच बीच में कहीं लफ्ज मुनाफिक आ गया पिछले दरस में हम देख चुके हैं कि रायतलमुनाफिकीन या सदून का सदूदा ए नबी आप देखते हैं कि जब इनके दरमियान कोई झगड़ा होता है और इनसे कहा जाता आओ हुजूर की अदालत में चलो और फैसला करा लो तो आप देखते हैं कि वो मुनाफिक जो हैं वो रुक जाते हैं आपके पास आने से रुक ना कर यानी इंतहाई वो अड़ियल होकर वो कहते हैं कि नहीं हम हजूर के पास नहीं जाएंगे सल्ला हालांकि ईमान के, के मुद्दा ही है इसी तरीके से जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि ये तीन अहम मौजूद हैं कि जो मुनाफिकत के जमिन में इस सुरह मुबारक में आए पहली बात हम पढ़ चुके वो ये कहते थे अल्लाह को भी हम मानते हैं आखरत को भी हम मानते हैं कुरान को भी हम मानते हैं लेकिन यह क्या जरूरी है कि हर मामले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए और आपका हुक्म माना जाए इताते रसूल उन पर बहुत शाख थी और यही वो चीज़ है दर हकीकत के जो दिफाक की असल जड़ और बुनियाद है चुनाचे जब मुनाफिकीन ने अपने आप को मोमिन साबित करने के लिए जब कहा है सूर्य मुनाफून की जो पहली आयत है तो वहाँ उन्होंने खास तौर पर कहा आपको रसूल मानते हैं इसलिए कि वो चाहते थे कि उनके ईमान को तस्लीम किया जाए ऐज़ा जा कल मुनाफिकून कालू नशद रसूल व्लामोन कल रसूलो व्लाश हदमुनाफ़िन का नबी जब आपके पास ये मुनाफिक आते हैं और कहते हैं कि आप गवाही देते हैं इसकी क्या आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह से बढ़कर कौन जानता है इसको क्या आप अल्लाह के रसूल हैं लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठ बोल रहे हैं इनके दिलों में आप पर ईमान नहीं है तो पहली बात तो उस जिमन में आ गई जो हम पढ़ चुके हैं कि उसमें खुलकर बात की गई फला वो तस्लिमा तो हरगिज नहीं है नबी आपके रब की कसम ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि हर मुआवला जो इनके मा उठ खड़ा हो उसमें आपको हकम तस्लीम ना करें और फिर आपके फैसलों को भी इस कैफियत के साथ माने कि दिल में भी उसके खिलाफ कोई एहतजाज ना हो कोई कदूरत ना हो ये एहसास ना हो कि मेरे साथ बे इंसाफी हुई है इसलिए कि यह भी ईमान के मुनाफी हो जाएगा ये शान जो है हुजूर के बाद किसी के नहीं है किसी भी दूसरे शख्स की राय से फैसले से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन मोहम्मद जो नबी है रसूल है मासूम है उनसे बेसाफी का अगर तस्वर आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका नबोत और इसारत पर ही बार ही नहीं अब आज जो मौजू आ रहा है यह है कताल फीस जाहिर बात है कि मुनाफिकों पर यह भी बहुत शौक था नमाज नमाजें हमसे पढ़वा लो मस्जिद में हम पहली सफ में भी आ जाएंगे अब्दुल्लाई पहली सफ में खड़ा होता था लेकिन यह कताल जो है जान की जो कुर्बानी देना है इसलिए कि जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं जो शख्स जंग में जाता है वो गोया के एक एतबार से अपनी जान को हथेली पर रख कर जाता है अगर वापस आ जाए तो गोया के बोनस है ये तो एक नई जिंदगी है वरना यह कि जंग में जाने के बाद जो है हर शख्स को अंदेशा है कि कत्ल हो सकता है ये चीज उन पर बहुत शाख थी लिहाजा ये जो आयात हैं जो मैंने अभी तिलावत की है और आपने समात फरमाई ये कुरान मजीद में कताल फी सभी पर जाम तरीन मकाम है और यहां पर खास तौर तो पर कताल फी सभी से जो गुरेज था मुनाफिकीन का उसे बिल्कुल खोल कर मुबरहन करके और साफ कर दिया गया एक बात जो इससे पहले बहुत मरतबा सामने आ चुकी है कि कुरान मजीद की दो असलाहे जो हैं उनके बारे में हमसे बड़ी गलती हुई है एक है जिहाद फीस अबी एक है कताल फीस अबी इनमें नस्बत वही है जो खास और आम की होती है जो मुस्लिम और मोमिन में है हर मोमिन तो मुस्लिम है हर मुस्लिम मोमिन नहीं है इसी तरह नबी और रसूल में है हर रसूल तो नबी है हर नबी रसूल नहीं है इसी तरह किताल तो लाजिमन जिहाद है लेकिन हर जिहाद केताल नहीं है आज हमारे जहनों पर अव्वल तो यह कि किताल और जिहाद का फर्क खत्म हो गया और जिहाद के मानी कर दिए गए किताल जंग अल्लाह कि की राह में जंग फिर यह कि फी सबील के लफ्ज़ को जहन से निकाल दिया गया कि फी सबील किस रास्ते में जिहाद हो रहा है किस रास्ते में किताल हो रहा है किस मकसद के लिए जिहाद है किस मकसद के लिए किताल है यह है कि जो अलीहदा करता है कि एक जो काफिर है मुशरक है वो भी जिहाद करता है लेकिन वो जिहाद फी सबीली शिरक करता है वो जिहाद फी सबीली तागूत करता है और एक बदमिन है वो भी जिहाद करता है वो जिहाद फी शबीली ला करता है वो जिहाद फी सबीली तोहहीद करता है वो मुजाहिद तो दोनों है यही वजह है कुरान मजीद में दो मकाम पर सूरह अनकबूत में भी और सूरह लुकमान में भी उन मुशरक़ वालिदैन के लिए लफ्ज़ जिहाद इस्तेमाल हुआ है जिनके नौजवान बेटे जो है वो ईमान ले आए अब वालिदैन दबाव डाल रहे हैं उनके ऊपर तक तशद कर रहे हैं कि वापस आओ अपने दीन के अंदर तो उनके लिए भी जाहिद मुजाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वहीं जहादा का अलान तुश कभी माल एसल कभी जाहदा का वाहरे कभी कभी उनका कहना मत मानो वो भी मुजाहिद थे आज हमने मुजाहिद के लफ्ज को जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए खास कर लिया है तो ये हमारे मुगालते हैं दर हकीकत जो गहराई में नहीं जाते ये सबसे नुमाया होकर इसी आयात के अंदर ये बात आ जाएगी बहरहब आगाज हम करते हैं फरमाया अहले ईमान पकड़ो अपने हथियार फनफरू सुबातिन अबिन फिर जमीरा और फिर चाहे तो टुकड़ियों की शक्ल में निकलो और चाहे जमात की शकल में एक फौज की शक्ल में जंग दो किस्म की हो रही थी छापा बार और दूसरी ये कि बाकायदा फौज की शकल में जाकर और आमने सामने होकर मुकाबला करना जैसा कि आपको बहुत मरतबा मैं बयान कर चुका हूं आपके सामने अलैहि वसल्लम ने मदीने जाने के बाद सिर्फ छः महीने इंतजार किया है और उसमें तीन काम आपने किए मस्जिद नबवी की तामीर वो एक मरकस बन गया और महाजरीन और अंसार के माबे मुआखात ताकि ये दो अलग अलग न रहें ये बाहम गुथ जाए मिल जाए और तीसरे यहूदियों के साथ जो मिसाख किया मिसाख मदीना के पैक्ट ऑफ जॉइंट डिफेंस ऑफ मदीना कि हम मदीने का आप जो करेंगे दिफा वो मिलकर एक उम्मत की हैसियत से करेंगे ये आपने एहतियाती तदाबीर करने के बाद छापा मार दस्ते भेजने शुरू कर दिए तो गोया के गजवा बदर से कबल जो है ये सोबातिन वाली बात आ रही थी छापे छोटे छोटे ग्रुप जा रहे हैं बाद में हजूर ने भी शिरकत की है चार गजवा हैं जिनमें हजूर भी शामिल हुए लेकिन यह कि उसके लिए नफ़ीरे आम थी न ऐलान आम था ना ही कोई बड़ी नफरी निकली है छोटी छोटी तादाद के अंदर लोग निकले हैं ताकि कुरैश की जो लाइफ लाइन है उसे थ्रेटन कर दिया जाए उन्हें मालूम हो जाए कि अब यहां पर तुम्हारा रास्ता रोकने वाले मौजूद हैं, तुम्हारे जो जो तजारती काफलों के रास्ते हैं अब वो इस तरह महफूज नहीं है जैसे पहले कभी थे या पोलिटिकल आइसोलेशन के जहां हजूर गए वहां के कबाइल के साथ आपने मुहिदा कर लिया या तो पहले वो कुरेश की हलीफ से अब हजूर के हो गए और या या कि वो न्यूट्रल हो गया कि हम ना आपका साथ देंगे कुरैश के खिलाफ ना कुरैश काल इंफ्लुस था कुरेश का वो कम होता चला गया अब उसके बाद जंग बदर से जो है ये बाकायदा जंग जिसको हम कहते हैं शुरू हुई है दो फौजें आमने सामने आई। तो, ये है तो है मुसलमानों अपने हथियार संभालो उठाओ और निकलो अल्लाह की राह में चाहे छोटी छोटी टुकड़ियों की शक्ल में और चाहे बाजबात इज्तवाही सूरत में अब यहां मुनाफिकत का जिक्र आ रहा है और यकीन तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ताखिर कर देते हैं निकलने में देर करते हैं अच्छा चले आप लश्कर लेकर चलें हम अभी आते हैं तो ये काम रहता है वो काम रहता है अभी हमें अपनी रसद का फराहम करना है फला करना है हम आ रहे हैं पीछे पीछे आ रहे हैं आप तो वह ताखीर करते हैं अब जो असल लश्कर आगे गया है उसके लिए दो ही सूरतें हो सकती हैं या तो उन्हें अल्लाह की तरफ से कोई आज़माइश पेश आ गई कोई आरजी शिकस्त हो गई कोई नुकसान पहुंच गया कोई चरका लग गया तो फरमाया फाइन असाबत कुम मुसीबत फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत आ जाती है इजलम शहीदा तो बड़े मोमिन साद तनाश कहते वो अल्लाह का बड़ा इनाम हो गया मुझ पर और बड़ा फजल हुआ उसका यानी बड़े माहिद हैं जबकि मैं उनके साथ नहीं था अगर मैं भी होता हम तो पीछे रह गए अगर हम भी साथ होते तो हमारे ऊपर भी वही मुसीबत आ जाती तो वहां वो कहते हैं कालामिया इसलम बाहुम शहीदा जब मैं उनके साथ मौजूद नहीं था तो यकीन ने मुझ पर बड़ा फजल किया बड़ा करम किया उसका बड़ा उसकी नजर इनायत है मुझ पर सबकूल और अगर तुम्हें मिल जाए को अल्लाह का फसल अल्लाह फतेह दे दे माले गरीमत हाथ आ जाए ना यकूल ना तो फिर वो लाजिमन कहेगा तकुन गोया जैसे कि उनके और तुम्हारे दरमियान कोई दोस्ती थी ही नहीं लिहाजा क्या कहेंगे या लै कुन कुम आहुम काश के मैं भी उनके साथ होता फूजीमा तो मुझे भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो जाती तो अगर वहां पर कोई तकलीफ आ गई तो अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि हम साथ नहीं थे और अगर वहां को फतेह नसीब हो गई को माल गनीमत हाथ आ गया तो अब हसरत के साथ और हसरत से ज्यादा इसमें जो है हसद शामिल है कि उनके हाथ तो माल गनीमत लग गया उन्हें तो बहुत बड़ा जो है दौलत जो है मिल गई हम महरूम रह गए तो इसमें हसद और हसरत दोनों का अंसर है और इसीलिए कहा कलम तकुन बैनकुम व बैन भवद अगर तो दोस्ती होती अहले ईमान से तो खुश होते कि हमारे भाइयों को हमारे साथियों को फ़ते नसीब हुई है हमारे भाइयों को हमारे साथियों को कोई मालिकमत मिला है अल्लाह ने उन्हें जो है अपनी तरफ से ये नमत अदा की है अगर वो होते अहले ईमान तो अहले ईमान की कामयाबी पर खुश होते लेकिन जिनको उनके और उनके अहिल ईमान के और उनके दरमियान कोई मवदत नहीं है कोई दोस्ती नहीं है बल्कि उनके अंदर तो हिडन दुश्मनी है छुपी हुई अदावत है लिहाजा उस मौके पर वो कहते हैं या लैतनी के मैं भी उनके साथ होता तो मैं भी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता अब ये आय तारे फल फी सबीर हयात दुनिया बिल ये फेल अमर है लाजमन कताल करे अल्लाह की राह में अब यहां पर कताल बहस नहीं है फी सबीर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के कॉज के लिए फर्दी कॉज ऑफ अल्लाह और, और वह कौज क्या है अल्लाह के दीन का गलबा ले सबसे ऊंची हो जाए कुल्ले दीन हक को तमाम निजाम जिंदगी के ऊपर गालिब कर दिया जाए यह सभी है अल्लाह का दीन फैले और अल्लाह का दीन काय हो जाए अल्लाह का दिन गालिब हो जाए यह अल्लाह के लिए जिहाद है फल युकातिल अब कैल करो अब देखिए जब जहाँ लफ्ज कैतल का आ रहा है तो किस कदर कसरत के साथ लफ्ज कताल अब दोहराया जाएगा हमने बड़ी गलती की है और उसको लफ्ज़ को आम कर दिया जिहाद को जिहाद जहाँ भी है इसके मानी केताल है महा कैतल का लफ्ज़ अपनी जगह मुस्तकिल अतलाह है अलबत् मौाक़ पर कैतल की जगह जिहाद आ जाता है इसलिए कि जिहाद तो लाजिमन कैतल तो लाजिमन जिहाद है लेकिन हर जगह आप जिहाद के मानी अगर करेंगे कताल तो बहुत बड़े मुगालते में मुबतला हो जाएंगे फलोका सी सबीर यशरून हयात दुनिया बिल आखरा तो वो लोग जिन्होंने हयात दुनियावी को फरोख कर दिया है आखरत के अवस, ये है असल मोमिन मोमिन कौन है जो दुनिया की जिंदगी को बेच देता है आखरत के लिए यही तो है इसलिए कि अल्लाह तहां यशरूण आया है यशरूणा के मानी बेच देना इश्तरा कहते हैं खरीदने को शरा यशरी बेच देना बाब इफ्त्याल में आएगा इश्तरा तो इश्तरा के मानी है खरीदना चुनाते सूरह तौबा में जो आयत आई है अल्लाह तहले ईमान से उनकी जान और माल खरीद लिए हैं जन्नत के बस जन्नत कीमत है जो दी जाएगी आखरत में जान और माल यहां खर्च करना होगा अल्लाह की राह में तो ये है शरा यशरी बेच देना और इश्तराशतरी खरीद लेना तो जो लोग भी वाक अपनी हयात दुनियावी को बेच चुके हों आखरत के बस यानी उनके यहां तरजीह है आखरत फैसला कुन तौर पर हो चुकी हो वो इशार कर चुके हों कि हम दुनिया को छोड़ देंगे आखरत कबूल करेंगे जान जब चाहे चली जाए माल जितना हो निकल जाए कोई परवाह नहीं इसलिए कि हमने तो आखरत को कबूल कर लिया है आखरत को पसंद कर लिया है तो जो शख्स इस पैमाने पर पूरा उतरे अल्लाजीना यशरून हयात दुनिया बिल आखिर उसके लिए तो लाजिम है अल्लाह के में जिहाद करे वो कैसे पीछे रह सकता है उसे तो आगे आगे जाना चाहिए शौक के अंदर कि जितना जल्द मुमकिन हो मैं जाम शहादत नोश करूं और वो मुझे मरतबा हासिल हो जाए कि वला वाला तक युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात ऊ बला किला का इसलिए कि शहदा के लिए जो भी अल्लाह के राह में कत्ल हो जाए उनके लिए तो यमुल हिसाब का इंतजार भी नहीं है बराह रास्त उसी जन्नत में दाखिला हो जाता किलत खुल जन्न काला कौमी गफर अली रबी वजालमीन जब वो साहिब ईमान जो है सूरा यासिन में जो क़स्सा आया है वाक आया है बयान हुआ है जब उस मोमिन को कत्ल कर दिया गया उसने फौरन कहा यहां से जान निकली और सीधी जन्नत पर तो काश के मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे परवरदिगार ने किस तरह मेरे गुनाह माफ कर दिए और मेरा जो कितना इकराम हो रहा है मेरी बीवी रो रही होगी मेरे बच्चे रो रहे होंगे कि हमारा जो बाप या हमारा शोहर जो था वो कत्ल कर दिया गया लेकिन अब के उन्हें मालूम हो जाता कि मैंने अल्लाह की राह में कत्ल होकर कोई घाटे का सौदा नहीं किया है फल युका फी सबीर यशरून हयात दुनिया बिल आखिर व मैं युकिल फ़ी सबीर और जो भी कताल करता है अल्लाह की राह में फयुकल और यलिब अब दो ही सूरतें हैं फिर चाहे वो कतल हो जाए और चाहे गालिब हो जाए दोनों ही सूरतें हैं अल्लाह ने कोई जमानत नहीं दी है कि तुम मेरी राह में कताल करोगे तो तुम्हें मौत नहीं आएगी या कतल होने की मुसीबत नहीं आएगी कोई जमानत नहीं हजरत हमजा शेर खुदा असदुल्लाह है असदुर रसूल ही शहीद हो गए वाशी का नेजा जो है जिसम से आर पार हो गए शहीद हो गए तो ये तो हकीकत जैसा कि बैरअर्स किया जो जंग में जाता है वो मौत का पूरा रिस्क लेकर जाता है यही वजह है कि सूरत तौबा की उसायत में ये जो बया उशरा अल्लाह के दरमियान है उसका नतीजा क्या बयान किया है इनतरा फीसूनू जो अल्लाह के साथ सौदा उन्होंने किया है अपनी जान और माल फरोख्त कर दी है जन्नत के बस उसका नतीजा क्या है उसका जहूर किस शक्ल में हो रहा है अल्लाह की राह में कताल कर रहे हैं कत्ल करते भी हैं कत्ल होते भी हैं गजवा बदन में उन्होंने सत्तर को कत्ल कर दिया और सत्तर को कैदी बना लिया और जो कत्ल हुए वो कुरैश के चोटी के सरदार थे गजवाए अहद के अंदर मुसलमानों की अपनी गलती से सदर सत्रबा शहीद हो गए फ़तलूना व युतलून वो कत्ल करते भी हैं कत्ल होते भी हैं तो यहाँ भी फरमाया मैं युकातिल फ़ी सभी फ़युकल जो भी अल्लाह की में कताल करता है जंग करता है फिर खवा वो कत्ल हो जाए और यब या, या गालिब आ जाए उस फतेहमंद हो फौ फी है अजर नजीमा इन दोनों हालतों में उन्हें अजर अजीम अता होगा अल्लाह क्या अगर शहादत मिल गई क्या कहने बरस चंदत में दाखिला हो रहा है अगर गालिब होकर आ गए तो दुनियावी तौर तो पर भी कामयाब है और यह कि कोई अल्लाह ताला की तरफ से मालिक गनीमत भी हाथ आ गया है लेकिन इस पर मुस्तजाद होगा वो अजर जो है वो दोनों का बराबर है वो अजर तो उसके अलावा है ये तो कुछ भी नहीं है ये तो मामूली सी शह है कोई दौलत दुनिया की हाथ आ गई वो आनी जानी शह है अजरल अजीमा फसो फनोती है अजरल अजीमा तो हम तो उन्हें देंगे बहुत बड़ा अजर व मा नकुम लातलून फ़ी सबी वलमिन आखरिजना करियतहा वलीम वजना का नसीिररा ये आज बहुत अहम है इसलिए कि आज कल इसे बहुत ज्यादा कोट किया जा रहा है बास जो जिहाद जो हजरात अपने ख्याल में जिहाद कर रहे हैं वो इस आयत को मुस्तल बनाते हैं दलील के तौर पर इसमें यकीन दो चीजें बयान हुई हैं मालकुम ला तो रूनफी सभी ला तुम्हें क्या हो गया है तुम जंग नहीं करते अल्लाह के रास्ते में तो एक तो है अल्लाह का रास्ता अल्लाह के दीन की वब इशात अल्लाह के दीन का गलबा ये तो है सभी एक दूसरी मत भी थी कि मुसलमान मुख्तलिफ जगहों पर जो ईमान ले आए खासतौर पर मक्के में जो मुसलमान थे वो सबके सब हिजरत नहीं कर पाए उनमें बूढ़े भी थे उनमें ख़वातीन भी थीं उनमें बच्चे भी थे ऐसे भी लोग थे जिन्हें रास्ता ही मालूम नहीं था ऐसे भी लोग थे जिनके ज़्यादा राह नहीं था अच्छा ऐसे भी थे जो मुनाफिक थे जो कि दर हकीकत घर बार उन्हें और अपने आयजा वक़ारिफ़ ज़्यादा अजीज़ थे अल्लाह तल्ला के रसूल से लिहाजा यही मुनाफ़त की जड़ और बुनियाद है तो दोनों तरह के लोग थे लेकिन ये जो थे कमज़ोर लोगफ़ लोग, लोग जुआफा उनमें बीमार भी हो सकते हैं बूढ़े हो सकते हैं औरतें हो सकती हैं उनकी राह में जिहाद और कताल यानी उन्हें वहां से लिबरेट करना उन्हें आज़ादी दिलाना उनके ऊपर जो जुल्म और तशद हो रहा है उसे खत्म करना तो ये दो रुख हो गए कताल के एक कताल फी सभी है वो तो अल्लाह की राह में हो रहा है अल्लाह के दीन के गलबे के लिए हो रहा है और दूसरा कताल का जो एक जिमनी हिस्सा है वो ये भी है कि मक्के को फतेह किया जाए और मक्के में जो मुसलमान हैं जुआफा हैं मर्दा हैं, बीमार हैं जो खुतिन हैं जो बच्चे हैं मिलर रिजाल व नसा वाल मिलदान मुस्दफ़ कहते हैं जिन्हें दबा लिया गया हो जिन मर्दों को औरतों को और बच्चों को दबा लिया गया है अब जाहिर बात है कि उनके ऊपर तशद हो रहा था उन्हें दबाया जा रहा था मक्के के अंदर जो है उन्हें ईजाएं दी जा रही थी तकलीफें पहुंचाई जा रही थी तो उनके लिए उनकी मदद के लिए उनको आज़ाद कराने के लिए उन्हें उस तशद और जबर से आज़ाद कराने के लिए भी ये जिहाद हो रहा है तो इस ताल के दो मकासद हो गए एक फी सबी दीन का गलबा और एक उन कमज़ोर दबे हुए पिसे हुए मुसलमानों की मदद और नुसरत और उनको निजात दिलाना उस तशद से और उस दबाव से जो उन पर पढ़ रहा था व मालकुम लातफी सबी वलमिन जो कि दुआए कर रहे हैं अल्लाह से पुकार कर रहे हैं अल्लाह से इसतासा कर रहे हैं अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं रबिन हमें किसी रास्ता दे के हम यहाँ से निकल जाए हमें निकालने का रास्ता दे दे हमें यहाँ से निकलने का रास्ता दे दे कोई शक्ल पैदा कर दे कि हम इस करिये से इस बस्ती से ये कौन सा करिया है मक्का उम्मुल कुरा हाजिल करिया इस बस्ती से हमें निकाल किसी तरीके से कि जिसके रहने वाले जो हैं बहुत ालिम है ालिम वजना का वली और हमारे लिए ख़ास अपने पास से अपने फजल से मददगार और हिमायती और पुष्पना भेज व जल्लना का नसीरा और हमें हमारे लिए अपने पास से खास अपने फसल से हमारे लिए मददगार भेज तो ये आयत मुबारक जो है इसको समझना चाहिए कि ये किन से कहा जा रहा है जाहिर बात है कि यह कहा जा रहा है मदीने में जो मुसलमान हैं और रूए सख़ून असल में किन किन तरफ है जो कताल से जो बचना चाहते हैं पहलू ही करना चाहते हैं लेकिन याद बात है कि मंदीने के दूसरे अहल ईमान भी अगर मुखातब हैं तो ये वो लोग हैं कि जो इस्लामी हुकूमत में रह रहे हैं वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी है वहाँ अल्लाह के आकाम नाफिस हैं अब अगर किसी मुल्क के अंदर अल्लाह का दीन तो गालिब नहीं है अल्लाह के दीन की बजाय किसी और दीन के ऊपर निज़ाम चल रहा है हाकमियत खुदाबंदी के बजाय हाकमियत अवाम की बुनियाद के ऊपर जो है हुकूमतें कायम हो रही हैं कवानी बन रहे हैं सूद और जुए के ऊपर पूरा निज़ाम मीशत जो है मुस्तवार है ना ही कायली कवानीन इस्लाम के नहीं है उसके अंदर भी कतर बेहद कर दी गई है वहाँ के लोग बजाय इसके कि अपने मुल्क के अंदर अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए जिद्दोजोद करें अब कहीं बाहर जाकर तीसरे तिवाड़े जाकर अगर वो कहते हैं और इस आयत को दलील बनाते हैं कि हम वहाँ जाकर जिहाद कर रहे हैं जिन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो दर हकीकत वो इसका जो खिताब का रुख है उसे नहीं पहचान रहे उन्होंने अपने हा दीन कायम कर दिया है उनके यहां फैसले शरीयत के मुताबिक हो रहे हैं अब ये इजाफी काम है जब तुम्हारे यहां अल्लाह का दीन कायम हो चुका जब तमाम फैसले जो हैं अल्लाह की शरीयत के मुताबिक हो रहे हैं तो अब ठीक है अब तुम्हें बाहर निकलना है लेकिन बाहर निकलने से पहले अपने घर को तो दुरुस्त करो अगर दुरुस्त नहीं है तो ये आयत जो है इसका महल और मकाम इसका पस मंजर इसमें असल किताब किन की तरफ है वरना जाहिर बात है कि मक्के के अंदर जुल्म हो रहा था क्या हुजूर ने उस वक्त मुसलमानों को इजाजत दी कि जाओ अबू जहल का हाथ रोक लो बल्कि काट दो उसका हाथ जिस हाथ से कि वो हजरत सुमैया और हजरत ताला नुमा पर तशद कर रहा काट डालो उसका हाथ नहीं हालांकि उससे बड़ा जुल्म तो किसी पर हुआ ही नहीं हजरत सुमैया और हजरत यासिन से पढ़कर तो जुल्म किसी पर भी नहीं हुआ और उन्होंने तो बिल आखिर टॉर्चर करके शहीद कर दिया गया लेकिन उनकी मदद के लिए तो हजूर ने हुक्म नहीं दिया हालांकि कम से कम चालीस साहबा मौजूद थे और ज्यादा ज्यादा यही होता ना कि उसके बाद चंद जो है साहबा को कतल कर दिया जाता इंतकाम के अंदर यही होता ना लेकिन यह है कि सत्तर साहबा तो जो है ओहद के अंदर भी शहीद हो गए तो शहादत से बचने वाली बात नहीं थी बल्कि यह था कि पहले इस्लामी हुकूमत कायम हो उसके बाद कताल जो है उसकी सरहदों से बाहर निकलेगा मैं यहां चाहता हूं कि जरा वजाहत से बयान कर दूं देखिए केताल फी सभी लाला की सिर्फ तीन सूरतें मुमकिन है केताल फी अभी ला तीन सूरतें नंबर एक इस्लामी हुकूमत खिलाफत का निजाम कायम है अब वो खिलाफत को एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरे मुल्कों में कायम करने के लिए भी जंग कर रहे हैं जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि सल्तनत रोमा के साथ जो टकराव हुआ उसका तो एक फौरी सबब भी बन गया था कि शाह गस्सान जो बाज गुजार था सल्तनत रोमा का उसके पास जो हुजूर का एल्ची पहुंचा था ख़त लेकर उसने उस एल्ची उसने उस, को रजी अल्लाह तहीद कर दिया अब सफ़ीर का कत्ल जो है वो ऐलान जंग होता है लिहाजा उनकी तरफ से तो हम कह सकते हैं कि मुसलमानों ने अगर उन पर हमला किया है और सल्तनत रोमा से टकराव मोल लिया है तो उसका एक सबब जो है फौरी तौर पर सबब भी मौजूद था ईरान पर तो कोई सबब नहीं था किस भी ईरान पर हमला किया उनकी तरफ से कोई इकदाम नहीं हुआ ज्यादा से ज्यादा उसने यह किया था कि हजूर का नामा मुबारक चाक कर दिया था बस जिस पर हजूर ने फरमाया कि उसने मेरा खत नहीं फाड़ा उसने अपनी सल्तनत को चाक कर दिया उसके टुकड़े कर दिए और उसने तो बल्कि कहा वो जो सफीर आए थे कि इनके सर पर जो है यहां मिट्टी का एक की जो है एक टोकरी रख दो तो वो जो सफी खुश हुए कि इन्होंने गोया कि अपनी जमीन हमें दे दी है अगर मिट्टी जो है वो मेरे सर पर रख दी गई है तो गोया के ज़मीन अपनी इन्होंने हमें दे दी उन्होंने उसको जो है एक अच्छे शुगून के ऊपर मबूल किया यही वजह है कि जब रुस्तम से पे सालार अफवाज ईरान ने जब साहबा का एक वफद गया उसने बुलाया कि आओ मुझसे बात करो कहा तुम हम पर क्यों चढ़ दौड़े हो पहले भी तुम आया करते थे कत्लो गारत करते थे लूट मार करते थे चले जाते थे ये दुनिया में हमेशा हुआ है कि एक सेटल्ड सिविलाइजेशन है जहां लोग आबाद हैं और आबादी का मतलब उस वक्त क्या था एग्रीकल्चर हो रहा है अपने खेत हैं उसके अंदर जो है वो कुछ बो रहे हैं या अपने आबादियों के अंदर करगे लगा रखे हैं वो कपड़ा बुन रहे हैं और रह रहे हैं आराम से लेकिन आस पास अगर कोई सतह मुर्तफा का इलाका है जो बंजर होता है या कोई सेहरा है लकोदक जो बंजर है वहां के रहने वाले उनके लिए माश का रास्ता क्या था वह आते थे गारत गिरी करते थे लूट मार करते थे और भाग जाते थे तो वहाँ तो हिट एंड रन वाला मामला होता था तुम पहले भी आया करते थे तुम्हारा सेहरा बंजर वहाँ कुछ पैदा नहीं होता तुम आया करते थे और हमारे ऊपर गारत गिरी करके और हमें लूट मार करके चले जाए इस दफा तुम वापस नहीं जा रहे क्या वजह तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे वजह क्या है फिर यह कि हमारे तुम्हारे दरमियान झगड़ा भी नहीं है कोई अगर सरहदी ही तराजा हो तब भी तुम कह सकते हो कि हम तो उसको तय करने के लिए आए जैसे कि चीन और भारत के दरमियान उन्नीस सौ बासठ में जंग हुई थी सरहदी तनाज़ा था तो जवाब क्या दिया गया आज हम खुद नहीं आए हमें भेजा गया है इन नदुरसल हमें भेजा गया है अल्लाह ने भेजा मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लाफा अबाउना और मोहम्मद सल्ला ने भेजा है हमें किस लिए भेजा है ले नुखर जन्नास मिन झुलमत जहालत लूर ईमान हम लोगों को निकालें जहालत की तारीखियों से ये शिरक और इहाद इसकी तारीखियों से निकालें ईमान के नूर की तरफ वन जोहरमलूक लदल इस्लाम और बादशाहों के सितम से तशद से हम उन्हें छुड़ाएं निजात दिलाएं और अदल इस्लाम के साथ मुश कर दें यह हमारा मिशन है वी आर ऑन ए मिशन यही बात सूरह तौबा जिसमें के आखिरी अहकाम दिए गए किताल के शुरू की छह आयत में मुशरकिन अरब के खिलाफ किताल का हुक्म आ गया था चार महीने की मोहलत है सारे माहदे खत्म और उसके बाद अगर ईमान कोई नहीं लाएगा कत्ल कर दिया जाएगा वो तो नौबत आई नहीं सब लोग या ईमान ले आए और या फिर वो अरब छोड़कर चले गए बहुत महदूद चंद तादाद के अंदर दूसरा कताल का हुक्म किससे था कि ये यहूदी और नसारा भी इनसे भी जंग करो यहां तक कि वो छोटे होकर रहे जिजिया दे इस्लाम की बाला दस्ती को बोल करें तो ठीक है वो यहूदी रहे नसरानी रहे मजूसी रहे कुछ भी रहे वो मजहब के तौर पर हम उनके मजाहब को रिकग्नाइज कर लेंगे लेकिन दीन अल्लाह का होगा तो ये दूसरी शक्ल थी तीसरी शक्ल सूरत तोबा ही में आई है झंडा के के लहराना अर्ज, अर्जी के ऊपर जंग, तो जंग यह थी जो तीसरे दर्जे में आई है सूरह तोबा के अंदर और वो क्या है कि इस्लामी निजाम को कायम करने के लिए खिलाफत रास्ता की तोसी के लिए जंग की जाए अब ये कि कौन कर रहा है जहां खिलाफत कायम है अमीरुल मोमिनीन की हिदायत के तहत उनकी निगरानी में उनके हुक्म से जब वो कताल हो रहा है और इस्लाम की तोसी और दारुल खिलाफा जो है खिलाफत का इलाका उसको वसी करना है तो ये है केताल फीस अभी की चोटी की सूरत केताल फीस अभी की दूसरी सूरत क्या है अगर खिलाफत का निज़ाम किसी मुल्क के कायम है कायम है उसके ऊपर हमला होता है उसका दिफा भी केताल फी सबी है और तीसरी शक्ल क्या है किसी मुल्क में अहले ईमान उस मुल्क के अंदर इस्लाम के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं उन्होंने दावत दी दावत का हक अदा कर दिया जो आए उन्हें जमा किया उन्हें मुनजम किया एक मजबूत जमात की शक्ल दी उनकी तरबियत की उनके दिलों के अंदर इखलास पैदा किया कि अपनी जती कोई बाकी नहीं रही बल्कि सिर्फ एलाय कलमत ला जो है उनका मकसूद था दीन हक का गलबा मकसूद था अब ये जमात जो है क्या करेगी बात है उस जमाने में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था कि वो उस मुल्क के अंदर जो काफिराना हुकूमत है उसके खिलाफ कताल करे जल करे वरना कौन अपनी जड़ छोड़ता है कोई छोटा सा पौधा भी जड़ छोड़ने को तैयार नहीं होता बड़ी मुश्किल से खींचते हैं तो जो निज़ाम कुफर का और शिरक का वो बड़े एक तनावर दरख की जगह तरह ज़मीन में मौजूद हो गड़ा हुआ हो उसे आप कैसे हटाएंगे जंग करनी पड़ेगी अब यहाँ दो इम्कान हैं एक इम्कान तो यह है कि वहाँ जो हाकिम हो वो काफिर हो, खुल्लम खुल्ला काफिर तो उनके खिलाफ तो जंग में कोई मुजायका है ही नहीं इसलिए कि वह काफिर है उनके खिलाफ जंग करनी है और यह खालिस्त के फी सबी होगा या दूसरी शक्ल यह हो सकती है कि है तो मुसलमान फासिक है फाजिर है और शरीयत इलाही के बजाय दूसरे कवानीन के मुताबिक फैसला कर रहे हैं मानवी तौर पर काफिर है इसलिए कि कुरान का फतवा है वह मल्लम यहकुम यहाकुबिमांजिल्ला फाउला कहमल काफिर जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसला नहीं करते वही तो काफिर है वह मल्लम यहाकुम कहमल जो अल्लाह की उतारी शरीयत के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही तो जालिम है और जालिम का एक तर्जुमा जो है मुशरक भी है इन शिरकल ओजीम और तीसरा फतवा है मोहम्मद लम यहाँ और जो अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते चाहे वह मुसलमान हों लेकिन वही तो हकीकत में फासिक है सरकश है बागी है नाहनजार हैं इनके खिलाफ कताल भी जायज़ है अलबत इसमें हमारे यहाँ बास जो मसलक हैं उनका कहना यह है कि वो फासिक हों फाजर हों अगर कुफरे बवाह का हुक्म न दे मुसलमान हैं हाकिब खुल्लम खुल्ला कुफर का हुक्म नहीं दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ बगावत जो है मुसल्ला जायज नहीं है लेकिन इमाम अबू हनीफा इमाम आजम उनका फतवा है कि जायस है फासीको फाजर हुक्मरान जो इस्लामी कवानीन के बजाय किसी और कवानी के तहत फैसले शुरू कर दें उनके खिलाफ किताल जायज है ये किताल की तीसरी शक्ल है अपने मुल्क में अपने इलाके में अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए वो जिहाद फी शबीर जब इस मरहले में आ जाएगा जब दावत दी जाएगी यह भी जिहाद फी शबीर है जब उन्हें जमा किया जाएगा ये उसकी कोशिशें भी जिहादी अबील है जब उनकी तरबियत तो व तस्किया किया जाएगा यह भी जिहाद फी शबीर है इससे आगे बढ़कर जब केताल फी अभी का मरहला आ जाएगा तो यह भी केताल फी अभी की तीसरी शक्ल है नोट कर लीजिए इसे केताल फी अभी की सिर्फ तीन सूरतें हैं निज़ाम खिलाफत किसी मुल्क पर कायम है अमीनमिन है खलीफतुलमुस्तमी मौजूद हैं उनके हुक्म से उनकी क्यादत में उनकी जेर हिदायत दूसरे मुल्कों पर हमला किया जाए ताकि वहां पर भी अल्लाह के दिन को गालिब कर दिया जाए शक्ल है जो साहब ने दौरान खिलाफत नंबर दो अगर उस निजाम खिलाफत हुकूमत हमला करती है तो यह दिफा भी खालिश कताल फी सभी होगा नंबर तीन अपने मुल्क में अपने इलाके में अगर ये जिहाद फी सभी जो है दावत और फिर मुनसम करना तरबियत और तस्किया करना इसके बाद इतनी कुत फ्राहम हो जाए कि अब जो भी काफिराना हुकूमत है चाहे वो काफिरों ही के जरिए हो रही हो चाहे वो मुसलमानों के जरिए हो रही हो, हो काफिराना हुकूमत, उसके खिलाफ कताल यह केतल फी सभी होगा बाकी दूसरी कैटेगरी है जाइस जंगलफी सभी एक चोटी की कैटेगरी है एक है जंग जो जाइस है कोई मुसलमान मुल्क है चाहे वहां इस्लाम नाफिज नहीं है उस पर हमला अगर हो रहा है तो उसका दिफा जो है यह भी जायज़ जंग है और इसमें भी अगर कोई मरेगा जान देगा वो शहीद होगा इसलिए कि हजूर ने फरमाया है मन कोतला दूल माल ही शहीद शहीदून जो शख्स अपने माल की हिफाजत करते हुए मारा जाए वो भी शहीद है एक मुसलमान है अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पर चलता है वो कहीं सफर कर रहा था डाकू ने हमला किया एक दो डाकू आ गए या उनके हाथ में हथियार है पिस्तौल है अब वो कहते हैं हवाले कर दो जो कुछ है तुम्हारे पास अब ये रास्ता दो ही है उसके पास कि या तो कह लो ठीक है भाई मुझ पर जो कुछ है ले लो मेरी घड़ी भी उतार लो मेरा पैन ले लो मेरी जेब में से बटवा निकाल लो ले मेरी जान बख्शी करो ले जाओ जो लेना है और दूसरा यह कि आदमी कह के नहीं अड़ जाए अपनी हिफाजत के लिए और इसमें वो मारा जाए तो वो भी शहीद है तो जाहिर बात है कि अगर मुसलमान का अपने माल की हिफाजत में मारे जाना शहादत है तो अपनी आज़ादी के लिए उसके तहफ के लिए मारे जाना वो भी शहादत है यही वजह है अफगानिस्तान में जब रूसियों के खिलाफ जिहाद हो रहा था मैंने उसे जिहाद फी सभी तो नहीं कहा था इसलिए कि न दावत के मराहल थे न उससे पहले अफगानिस्तान में कोई खिलाफत का निज़ाम कायम था ये तो चीज़ें नहीं थी तो वो जो टिपिकल तीन मैंने बताई है आपको कि जो किताल फी सभी लाला की शक्लें उनमें से कोई नहीं थी हाँ एक मुसलमान मुल्क का जहां का निज़ाम इस्लामी नहीं था अगर से जहां के हुक्मरान जो है वो बिल्कुल अंग्रेजी तहजीब के अंदर जो है गर्त थे लेकिन ये है कि मुसलमान मुल्क था तो उसके तहफ में उसके आजादी के तहफ के लिए जंग करना जायज कताल था और इस जायज कताल में जिसने जान दी है वो भी शहीद तो जायज कताल बहुत से किस्म के हो सकते हैं लेकिन कताल फी सबील ये असल में तीन है फिर नोट कर लीजिए निज़ाम खिलाफत किसी मुल्क में कायम है उस निजाम खिलाफत की तोसी के लिए आप खुद आगे बढ़कर हमला करते हैं जिसके लिए कि साहब कलाम की फौजें जो है जहां गई हैं तीन ऑप्शन रखे हैं ईमान ले आओ हमारे बराबर के हो जाओगे हम ये भी क्लेम नहीं करेंगे हम सीनियर मुसलमान हैं तुम जूनियर मुसलमान हो हु, हमारे हुकूक ज्यादा तुम्हारे कम है नमारे बराबर हो जाओगे ये नहीं तो जिजिया दो और छोटे बनकर रहो और दीन हक जो है अल्लाह का दीन की बाला दस्ती को कबूल करो और अगर यह भी नहीं तो आओ मैदानी जंग के अंदर तलवार फैसला करेगी हमारे और तुम्हारे दरमियान ये किताल फी सभी की बलंदरीन सूरत थी जो दौरे खिलाफत रास्ता में हुई अलबत् अगर कहीं उस मुल्क में जिसमें अल्लाह का निजाम खिलाफत कायमे कोई हमला करता है तो उसका दिफा भी खालिश किताल फीस अभी है जबकि सिर्फ मुसलमान मुल्क है वहाँ निज़ाम खिलाफत नहीं है इस्लामी हुकूमत नहीं है इस्लामी कवानी नाफिज नहीं है लेकिन रहने वालों की अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल है अगर उस पर कोई हमला होता है तो वो भी जायज़ जंग तो है और उसमें जान देना भी मरतब शहादत का असूल है लेकिन वह किताल फीसबीला नहीं इस फर्क को जरा अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए तो यहाँ पर जो है किताल फी सभी की बात हो रही है अब देखिए वो आखिरी आयत आ गई जिसके बारे में मैंने कहा था कि किस कदर वाज चीजें कुरान की हैं और कितने लोग जो साहिब इल होने के भी मुद्दई हैं और उनकी तरफ से भी ये चीजें जो है बिल्कुल उनकी निगाहों से उजल है इस आयत में खोल दिया गया अल्लजीन आमन युका जो तो लोग ईमान लाए हैं वो तो अल्लाह की राह में कल कर रहे हैं फरुका फी सबीली ता और जिन्होंने कुहर किया वो भी तो किताल कर रहे हैं आखिर हजार का लश्कर आया था बदर में तो वो किताल के लिए नहीं आया था लेकिन उनका किताल फी सबीली ताबूत है ताूत किसे कहते हैं तगा तगा यतगा। दरिया का अपने हदूद से पानी निकल कर आया तो जहां पर तगयानी कहते दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से काम कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे तुगयानी इंसान की तुगयानी क्या है अल्लाह के हाकिम मानने की बजाय खुद हाकिम बन बैठे अल्लाह के साथ लोगों की किसी हस्तियों को शरीक कर दे अल्लाह को अपना महबूब हकीकी बनाने की बजाय कोई और शे जो है वो वतन ही उसका महबूब मुतलक बन गया है वतन परस्त है कौम परस्त है खुदा परस्त होने के बजाय तो अब ये जो है ये अगर जंग करेंगे जाहिर बात है कि इनकी जंग जो होगी फी सबीली ताूत होगी है फी सबील। फी सबील जैसे उधर है वैसे ही वो जो वालदे थे मुशरक वो अपने अगर साहिब ईमान नौजवान बेटों पर तशद कर रहे थे तो वो उनका जिहाद था लेकिन वो वह जिहादीली ताहूत था वो जिहाद फी सबी शिरफ था वो जिहाद फी सबील था और अहले ईमान जो है वो जिहाद फीस अल्लाह कर रहे थे अपने दीन को फैला रहे थे दावत दे रहे थे तबलीग कर रहे थे ये जिहाद हो रहा था मक्के के अंदर बारह बरस ये जिहाद जारी रहा उधर से भी जिहाद इधर से भी जिहाद इधर से जिहाद फीस उधर से जिहाद फीस अबिली ताऊत या फीसबीली शिर्क इसी तरीके से जब कताल शुरू हो गया तो कताल भी दो तरफा है एक तरफ मोहम्मद और आपके साथी वल आहू ये है कताल कर रहे हैं फी सबील अल्लाह की हुकूमत कायम करने के लिए अल्लाह के कलमे को सरबलंद करने के लिए अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए और जो रजिस्ट कर रहे हैं जो सामने आए हैं जो रास्ता रोक रहे हैं वो भी जंग कर रहे हैं यो का फी शबील ताबूत वो कताल कर रहे हैं ताबूत के रास्ते में इसी तरह जिहाद फी शबील जिहाद फी शबील ताहूत केताल फी शबील केताल फी शबीली ताहूत तो यही हमेशा रहा जैसा कि दुनिया के अंदर हकों बातिल की जो जंग है हमेशा जारी रही है हर रसूल आया है तो वो जंग हुई है वो जंग चाहे हॉट वॉर ना हुई हो कोल्ड वॉर तो हुई ना जाहिर बात है कि वो तशद कर रहे हैं इधर से जवाब नहीं दिया जा रहा लेकिन आप नोट कीजिए अगर फर्श कीजिए मदीने की खिड़की ना खुलती अल्लाह त फजलो करम से तो क्या मक्के ही में कताल ना हो जाता हुजूर को भेजा गया था दिन को गालिब करने के लिए ये तो अल्लाह की हिकमत थी उसने अपने वो जो अमीन था उसे बचाया जंग से आखिरी वक्त में सिर्फ एक दिन के लिए हुजूर के लिए जंग जायज़ की गई है हरम हरम के अंदर और वो भी चंद लोग मारे गए सिर्फ बाकी ये कि वो तो अमीन है लिहाजा उसको अल्लाह ने बचा लिया और मुसलमानों को निकाल कर वहां से ले गया और फिर वहां से जंगें हुई हैं और वो बाहर मैदान के अंदर हुई हैं या तो में हुई है यूं समझिए कि तकरीबन 200 मील मक्के से और 80 मील के करीब मदीने से और या फिर ये वो ओहद में आए हैं तो मदीने ही में पहुंच गए कोहे ओहद के पहाड़ में और जब पूरी तरीके से वो एग्जॉस्ट हो चुके थे अब उनमें जान नहीं रही थी तब हुजूर ने पेश फरमाई और दस हजार का लश्कर लेकर आप रमजान सन आठ हिजरी के अंदर जो है आप गए हैं और बिल्कुल न होने के बराबर जंग हुई है लेकिन फर्ज कीजिए कि यह मदीने की खिड़की ना खुलती तो क्या हजूर दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद न करते वो तो वहां करते और अल्लाह ताला मजीद ताकत दे देता तो वहीं पर जो वहां के कुफार थे उनके साथ जंग होती और जाहिर बात है कि उसी के नतीजे में फिर का दीन कायम होता तो वो जो जिहादी सबी और जिहादी सबी ताबूत ये जो मुकाबले में थे मक्के के अंदर वो मक्के ही के अंदर हो सकता है कि कताल फी शबील और कताल फी शबीली ताबूत की शक्ल इख्तियार कर जाती ये हिमत खुदाबंदी है कि उसने उस कताल फी शबील वर्सस कताल फी शबीली ताबूत को मक्के से बाहर के मैदान के अंदर रख दिया है वरना यह कि हक वातिल की कशमकश तो हमेशा रही बकौल इकबाल सतीजाकार रहा है अजल से ताबरूस चिराग मुस्तफावी से शरार बोलहबी हमेशा से तारीख जो है बातिल की दरबिया जंग चली आ रही है तो फरमाया الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله इन आयत के बाद मैं समझता हूँ कि कोई इश्तवाह नहीं रहना चाहिए क्लियर हो जानी चाहिए चीज़ें एक जायज़ कताल मुसलमान के लिए क्या है और कतल फी सभी जो सबसे ऊंची शय है वो क्या है और फी सबील लगाने के साथ जिहाद और कताल किसी भी शख्स किसी भी ग्रोह किसी भी जमात किसी भी फौज के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है यह जो है मुकिल फी शबील यह मुकातिल फी शबीली ताहूत है फी शबीली शिरक है है तो मुकातिल कताल करने के लिए तो आए हैं एक दूसरे के सामने है तो मुजाहिद एक शबीली शिरक मुजाहिद कर रहा है और एक फी सबीली तोहद जहाद कर रहा है फरमाया फ़ातलूलिया शैतान तो है मुसलमानों के करो इन शैतान के साथियों के साथ ये तावूत के लफ्ज को और ज्यादा वाजे कर दिया जो शैतान के साथी है। आपको मालूम है हिजबुल्ला हिजबुल शैतान सूरह मुजादिला के अंदर यह दोनों अल्फाज एक दूसरे के सामने आ गए एक तरफ हिजबुल्ला है एक तरफ हिजबुल शैतान जो भी शिरक के लिए गैरुल्लाह की हाकमियत के लिए गैर इस्लामी निज़ाम कायम करने के लिए जिद्दोजहद करेंगे वो हिजबु शैतान कोई भी हो चाहे लेबल उन्होंने इस्लाम का लगाया हुआ हो चाहे उन्होंने मुनाफिकाना तौर पर इस्लाम का लिबादा उड़ा हुआ हो लेकिन अगर वो अल्लाह के दीन को कायम करने के रास्ते में मुजाहिर होते हैं तो वो हिजबु शैतान है और हिजबुल्लाह वो है जो अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए तन मन धन लगा रही है तो जाहिर बात है ये हिजबु शैतान है जो कताल फी सबील्ला के मुकाबले में आ गए हैं केताल फी शबील ताहूत के लिए तो ये दर हकीकत अलिया शैतान है शैतान के साथी शैतान के मददगार शैतान के पुष्पना तो फरमाया फ़कतलु अलिया शैतान और इन शैतान में सबसे बड़े कौन थे तो रैशे भटका इसीलिए सूरह तोबा में क्या कहा गया फ़कतलु अम्मत अलकुफ्र इसलिए कि फतेह मक्का की तरफ जब लोगों ने देखा कि तैयारियां हो रही हैं तो कुछ मुसलमान थे साहिब ईमान थे वो मुनाफिक नहीं थे वो कुछ कदा करने लगे कुछ एक तो खौफ था कुरैश और ये तो शेर के जो है यूं समझिए कि आप शेर का वो क्या कहते हैं जहां वो रहता है भट्ट है उसका या जो भी है उसके अंदर आप जा रहे हैं शेर है वो तो नंबर दो उनको ये सांस भी था मुसलमान थे कि हरम की बेहरमती हो जाएगी अगर खूनजी हरम के अंदर हुई तो हरम की बेहरमती हो जाएगी नंबर तीन ये कि ये, ये कुरैश अगर चेक आफिर हैं मशरक हैं लेकिन हाजियों की सेवा करते हैं हाजियों की खिदमत करते हैं शिकायत अलाज व इमारत अलमस्जिद हराम मस्जिद हराम को इन्होंने आबाद किया हुआ है चाहे वो मशरक़ हैं मस्जिद हराम तो आबाद तो है ना लोग तो हैं वहाँ आते तो हैं लोग और फिर ये हाजियों को पानी पिलाते हैं उनके लिए पानी का बदौलत पानी वहां सबसे बड़ी दौलत थी सबसे कमयाब जो है वो पानी था लिहाजा ये करते हैं। तो मुख्तलिफ इसबाब से मुख्तलिफ जो है कुछ थे वो वो ही लोग के जिनके अंदर छुपा हुआ ये था गुरेज कताल से गुरेज खौफ अपने जान और माल का तहफ़ वो तो अंदर था लेकिन ऊपर से जो बातें कही जा रही थी वो ये थी तो वहां पर जोर देकर कहा गया फकत अलोहिमत कुफर जंग करो इन कुफर के इमामों से इसलिए कि अगर अगरचे पूरे जजीर नुमाय अरब में कुफर है फैला हुआ है लेकिन उसके इमाम तो ये हैं जो मक्के में बैठे हुए हैं चाहे कोई फॉर्मल हुकूमत नहीं थी कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी कोई मरकजी फौज नहीं थी कोई ट्रेन आर्मी नहीं थी लेकिन जो भी माशरा था जजीरा नुमाय अरब का उसमें इमामत का मकाम कुरैश को हासिल था इसलिए कि मरकज जो है वह मक्का था सबका सब कबीलों के बुत वहां रखे हुए थे यही वजह है कि कुरैश के काफिले जो थे तजारती उनको कोई हाथ नहीं लगाता था पूरे अमल के साथ गुजर जाते थे शाम जाते थे सात सौ आठ सौ मील बल्कि हजार मील और कोई उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता था यह तो हरम के मुतवली है काबे के मुतवली है इनको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते जनूब में यमन की तरफ जाते थे और बड़े वैशी कबाइल आबाद थे रास्ते में लेकिन वो कुरश के काफिलों कुछ नहीं कहते थे ले सर्दी गर्मी में इनके काफले खूब चलते थे गर्मी में ये शाम की तरफ जाते थे सर्दी में यमन की तरफ जाते थे यही वजह जो मैंने अर्ज किया कि हुजूर ने जब छापा मार दस्ते भेजने शुरू किए तो गोया के उनकी जो जो रगे जहाँ थी लाइफ लाइन उसके ऊपर आपने गोया के हाथ डाल दिया इस तरीके से उनके अंदर उन्हें गोया कि मैं इसके लिए एक और ताबीर आजकल इख्तियार कर रहा हूं कि ये सांप को बिल से निकालने की तदबीर थी वो बिल में था सांप उसे हरम की हुरमत का तहफुज हासिल था कुरैश को वरना जाहिर बात है कि जब रसूल किसी जगह से हिजरत पर मजबूर कर दिया जाए तो फिर इससे पहले जो होता रहा अजाब आता था उस कौम के ऊपर लेकिन यहां पर वो अजाब उस तरीके से नहीं आया क्या मक्के पर वह असाब आता क्या बैतुल्लाह को बर्बाद किया जाता अगर आसमान से पत्थरों की बारिश होती नहीं तो इसलिए सांप को बिल से निकाला है ये जो आपने छापा मार दस्ते भेजे और उनका जो अरसा हयात तंग कर दिया उनकी मीशत को जो है थ्रेटन किया उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का जोन जो था उसे तंग से तंग करते चले आ रहे थे तो तंग आकर सांप निकला आपने बिल से वो सांप को बिल से निकाल कर सर कुचला गया उसका सत्तर जो मारे गए हैं बदर में जिसको योम फुरकान अबू जहल ने पहले कह दिया था योम फुरकान होगा ये ये दिन जो है ये फ़र्क कर देगा कि कौन हक पर है कौन बातिल पर है इसलिए कि उसे यकीन था मैं एक हज़ार की नफरी लेकर जा रहा हूँ मोहम्मद एड़ी चोटी का जोर लगा ले जब भी एक हज़ार आदमी तो मैदान में नहीं ला सकते जाहिर बात है कि तीन सौ तेरह ही थे ना हजूर के साथ और वह भी गैर मुसल्ला थे वह तो निकले थे असलम काफिले के ऊपर हमला करने के लिए जैसे कि इससे पहले आठ मुहिमें थी लेकिन यह है कि बहरहाल अल्लाह ने जो उसने कहा था कि योमफुर्क़ान होगा अल्लाह ने योम फुर्कान बना दिया अल्लाह ने अपनी खुसूसी मदद से मुसलमानों को तीन सौ तेरह जो गैर मुसल्ह थे बहुत ही कम लोग थे जिनके पास असलाह था लिहाजा अल्लाह ताला ने योम फुरान बना दिया लेकिन असल बात जो मैंने कही है कि सांप को बिल से निकाल कर उसका सर कुचला गया है इसलिए सारे के सारे मुश्रकिन के जो सरदार थे वो मारे गए एक बचा है अबू सुफियान इसलिए कि वो काफिला लेकर शाम गया हुआ था और वापसी पर उसी ने जो है कॉल भेजी थी एस ओ एस कॉल जो कहलाती है इमरजेंसी की मदद तलब की जाए कि भाई मेरे काफिले को खतरा है क्योंकि जब वो जा रहा था काफिला लेकर तब हुजूर ने पीछा किया था लेकिन वो निकल गया वापस आ रहा था फिर खतरा था अब लदा फंदा आ रहा था माल गनीमत के साथ लिहाजा उसने जो है वहां पैगाम भेज दिया कि मुझे खतरा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों से लिहाजा मदद भेजो और यही चीज जो है फैसला कुछ साबित हो गई दूसरा वहां से दौड़ता हुआ आया एक शख्स जिसने आकर कहा कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम के आदमियों ने हमारा एक आदमी कत्ल कर दिया यह नखला के अंदर वाक हुआ जो बकरे बकर्रमा और ताइफ के माबे ने तो फिर यह सांप निकला है अपने बिल से और उनका थर कुचला गया मैदान बादल में तो फरमाया फलुआ शैतान इन न शैतान का न यह बड़ी प्यारी याद शैतान की चाल शैतान की तदबीर बहुत कमजोर है नजर आती है बहुत मरूब कुन, मालूम होता है कि इस तो बड़ी ताकत है इसके पास लेकिन कैसे अल्लाह ताला उस ताकत को सरदगु कर देता है हाँ अहले ईमान साबित कर दे, अपनी साबित कदमी का सबूत दे दे, साबित कर दें अपने दीन के ऊपर इखलास के साथ कायम होने पर साबित कर दे कि हमने जो सौदा अल्लाह के साथ किया है हुँ हुँ जन्ना। जिसे यहाँ कहा गया यशरून हयात दुनिया बिल आखिर जो वाक अपना सौदा कर चुके हो जानो माल का अल्लाह के साथ जन्नत के एमस। अगर वो इसका सबूत दे देंगे आजमाइशें आएंगी वैमिनफ वकिन अगर तुमने अपना सबात कदम और अपना इस्तलाल और अपना सब्रमसाबरत का जो तर्ज अमल है साबित कर दिया तो अल्लाह की मदद आएगी फिर तुम देखोगे झाक की तरह से वो जल नजर आ रहा था बहुत बड़ा पहाड़ मालूम होगा ये तो रूई के गाले थे जो खत्म हो गए जैसे बारह हजार कलश्कर जो है गजवा ऐसा के अंदर ऐसे तितर बितर हो गया कि उसके लिए लड़ाई की नौबत ही नहीं आई बायदा जंग आमने सामने होकर नौबत ही नहीं आई सिवाय चंद मार के हुए या इधर से कोई तीर बार गया उधर कोई हलाक हो गया या उधर से कोई तीर आया तो यहां पर कोई जख्मी हो गए ये हुआ है वरना खंदक के उधर वो पड़े हुए थे इधर अहले ईबान थे और फिर आंधी ऐसी आई है अल्लाह की तरफ से रीह कहा है सूरह आजाब के अंदर अलैहिम अरसल्लाह हमने एक जोरदार आंधी भेजी कि उनकी जो देगे चढ़ी हुई थी चूल्हों के ऊपर खाना पकाने के लिए वो जो उलट गई उन आग लग गई खेमों के अंदर एक तबाही आंखों में मिट्टी पड़ गई दिखाई कुछ नहीं दे रहा तंग आकर वहां से उन्होंने अपने कैंप उखाड़े और चले गए वो जो बड़ा एक तूफान नजर आ रहा था मालूम हुआ झाग ही झाग झाकते कुछ भी नहीं था तो इन कैद शैतान का नईफा तो घबराओ नहीं अहले ईमान ये शैतान की चाल और तदबीर और उसकी जो भी कुत है ये बहुत कमजोर है हकीकत के एतबार से अलबत् तुम्हारे इम्तान के लिए इबला और आजमाइश के लिए अल्लाह तला शैतान को मौका देता है कि वो बड़े लाव लश्कर लेकर आता है जिससे कि जिनके दिलों में ज़रा भी रोग है फी खलूब ही मरदुन वो मरूब हो जाए जैसे कि गजबा आज़ाब के अंदर फिर मुनाफिकीन का निफाक़ उनकी जबानों पर आ गया माँ वाद रसूल व रूरा हमें तो अल्लाह और उसके रसूल ने सब बाग दिखाकर झूठे वादे करके हमें मरवा दिया हमसे कहा था कैसर वो किस के खजाने तुम्हारे कदमों में आएंगे आज हमारा हाल ये है कि ख़जाए हाजत के लिए बाहर नहीं जा सकते बहर ये आयात जो हैं छः आयात आज हम पढ़ सके पढ़ सकें हैं ये कितल फ़ी सबिल्ला बिलखसूस उससे जो अपना पहलू बचाने का मामला मुनाफिकीन का था उसके अतबार से कुरान मजीद का जरवा सलाम है बारक वुम फिलकुरहीम व नफ़ा अनिल व्या़ुम बिल आयात थी वज़किलहम